गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास आई वाज डिस्कस्ड एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 एंड आई वाज गिवन यू होमवर्क एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। टुडे आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। बट स्टूडेंट, टुडे आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ ICSE बोर्ड we have to reduce your syllabus due to corona, okay। तो actually बेटा जो given time है उसमें आपका syllabus complete नहीं हो जाएगा, because online classes में we are not getting a sufficient time and according to the council आपके online classes per day आपके 2 hours से ज़्यादा online classes या 3 hours ज़्यादा हो नहीं सकते, ठीक है बेटा। तो other subjects भी हैं, हमें सारे subjects को साथ लेके चलना। तो अकॉर्डिंग टू द काउंसिल आई विल रिड्यूस द सिलेबस, ओके, एंड आई विल इन्फॉर्म यू लेटर कि मैं कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। बेटा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे आपके मैथमेटिक्स में, उन चैप्टर को मैं प्रायोरिटी दूंगा, और उन चैप्टर्स को मैं स्किप करूँगा। जो चैप्टर्स आप फर्दर क्लास सिक्स या सेवन्थ में अभी पढ़ने वाले हो, तो उन चैप्टर्स को अभी मैं स्किप करूँगा, और वो चैप्टर्स आपको फर्स्टली पढ़ाऊँगा जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, ओके। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। तो बेटा क्वेश्चन नंबर वन ई है ऐड प्लस 8 प्लस 6 एंड माइनस 9, इन तीनों को आपको ऐड करना है। तो इसके लिए आपको मैंने जो रूल्स बताया था आपको, जो तो आपको याद होना चाहिए कि क्या था रूल्स। जब भी दो पॉजिटिव नंबर आपस में ऐड करते हैं तो क्या होता है, दो नेगेटिव नंबर आपस में ऐड करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर का नेगेटिव में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वह क्या रिजल्ट आएगा जब हम वी विल डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर, ओके। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमने आपको प्रीवियस क्लास में दे दिए हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को मैं फिर भी बोल रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप लर्न कीजिए, ओके। और अगर आपको बेटा मैथमेटिक्स में लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए, आप जितने ज़्यादा एक्सरसाइज खुद सॉल्व करेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें इसको ऐड करना प्लस 8 प्लस 6 एंड माइनस 9, तो आप देख रहे होंगे प्लस 8 को क्या करना है, प्लस 6 में ऐड करना है, तो मैंने प्लस लगा दिया। अगेन इसमें भी माइनस 9 को क्या करना है, ऐड करना है, तो हमने अगेन इसको प्लस लगा दिया। तो हमने क्या किया भाई, ऐड करना था तो हमने इनको क्या किया, जो नंबर्स थे विद साइन हमने उनको एक अलग ब्रैकेट में रख दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं तो वहाँ पे प्लस हिडन होता है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर भी प्लस अंदर भी प्लस, तो प्लस इनटू प्लस, प्लस इनटू प्लस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस 8, ओके। हेयर प्लस इनटू प्लस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा प्लस इनटू प्लस अगेन प्लस और ये 6, ठीक। यहाँ हेयर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इनटू माइनस बिकम माइनस, ये क्या हो गया आपका 9, ठीक। अगेन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। अब 8 प्लस 6 बिकम प्लस 14, क्यों बेटा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, और आपको पता मैंने रूट्स बताया था अगर साइन सेम हो दो नंबर्स का तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं, माइनस 9, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लस 14 माइनस 9, अब एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है, तो मैंने आपको बताया था वी विल सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वन फ्रॉम ग्रेटर वन एंड यूज द साइन ऑफ ग्रेटर वन, तो ग्रेटर कौन इन दोनों में, 14 9 से ग्रेटर है तो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, और यूज द साइन ऑफ ग्रेटर वन, दोनों में जो बड़ा उसका साइन लेंगे, ग्रेटर कौन है 14, 14 का साइन क्या है प्लस, हियर इज प्लस, दिस विल बी योर आंसर, ओके। सेम प्रोसेस हम कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट ओपन को होगा प्लस इनटू माइनस, माइनस 9, प्लस इनटू माइनस, माइनस 8, प्लस इनटू माइनस, माइनस 7, ओके। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे माइनस हैं, तो मैं फिर बताना चाहूँगा बेटा, मैंने पहले भी बताया कि अगर सेम साइन हो तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, सेम साइन हो तो हम ऐड करते हैं, तो माइनस 9 माइनस 8 दोनों का साइन सेम है, दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 17 और ये माइनस 7,
ओके अगेन अगर आप देखेंगे साइन अभी भी क्या है, दोनों का सेम है तो ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 17 + 7 आपका जाएगा -24, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, अब नाउन क्वेश्चन नंबर टू का डी, क्वेश्चन नंबर 2D मल्टीप्लाई -79 + 5। मैंने इसका भी कंसेप्ट आपको बताया था, जब भी कोई नंबर्स मल्टीप्लाई करने होते हैं, इंटीजर्स मल्टीप्लाई करने होते हैं, पहले हम उनके साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इनका साइन क्या है माइनस, इसका साइन क्या है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस अपोजिट साइन होंगे, जब भी अपोजिट साइन का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है, माइनस आता है, और जब भी सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस बिकम माइनस। ओके यहाँ से आपका आ जाएगा 17 × 5, 17 के टेबल पर 5 टाइम्स आपका हो जाएगा 85। ओके तो ये आपका आंसर हो गया। अगेन सॉल्व करना है, डिवाइड -48 / -6, सेम कंसेप्ट बेटा, पहले हम साइन डिसाइड करेंगे कि हमारा जो आंसर है उसका साइन क्या आएगा, हम वो डिसाइड करेंगे। तो अगेन देखिए आप माइनस डिवाइडेड बाई माइनस, फिर से देखिए बेटा -/-, ओके तो सेम साइन का डिवीजन हो रहा है, जो कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है वही कंसेप्ट डिवीजन में भी अप्लाई होता है, कि अगर सेम साइन का डिवीजन हो रहा है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, अपोजिट साइन का अगर डिवीजन हो रहा है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, -/- बिकम प्लस। ओके तो 48 / 6 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.2 से मैंने लिया है, 3.1 में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे बेटा, 3.2 में क्वेश्चन नंबर वन का ई देखेंगे, सॉल्व दिस ऑन नंबर लाइन, आपको इसको नंबर लाइन पे बेटा रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पे हम कैसे करेंगे बेटा इसको, तो पहले हम इसको फर्स्टली वी विल सॉल्व इट, देन वी विल रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन कीजिए +(+)(+3)(+)(+2)(+)-4, ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का साइन सेम ऐड हो जाएगा, तो 3 + 2 = 5 - 4 एंड इट विल बी +1। अब आपको इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो पहले हम फर्स्ट नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्या है +3 एंड जैसे कि मैंने बोला बेटा वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे थ्री पे जाएंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और थ्री पे जाएंगे +3, ये हमने एरो दे दिया, हम जीरो से कहाँ गए थ्री पे, तो हमने एरो रिप्रेजेंट किया। ओके और ये एरो किसके लिए है, ये हमने डायग्राम किसके लिए बनाया है, किसके लिए +3 के लिए, तो हियर वी विल राइट +3। ओके बेटा मैंने कुछ बच्चे स्टूडेंट्स की कॉपी देखी थी पीटीएम में, बेटा ये डायग्राम्स मैं तो पेंसिल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट यू हैव टू यूज़ द पेंसिल एंड स्केल प्रॉपर तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे। ओके नाउ अगेन अब नेक्स्ट +3 के बाद नेक्स्ट क्या ऐड हुआ था +2, तो +2 तो 3 के बाद 2 और ऐड करना, +2 किधर जाएगा, जब भी बेटा प्लस हो, जब भी कोई नंबर प्लस होगा तो हम राइट हैंड साइड जाते हैं, जब भी कोई नंबर माइनस होता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, तो +2 तो 3 से अभी अभी आपकी यहाँ पे पहुँची हुई, अभी आपकी गाड़ी यहाँ से चलनी स्टार्ट हुई, यहाँ पे आपकी गाड़ी पहुँची, अब आपकी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी, 2 स्टेप्स और पढ़ने हैं, 1 और 2 भाई +2 है ना, 1 और 2 यहाँ पे आपका आ गया +5 पे, ये आपका है +2 का। ओके इस वक्त आप यहाँ पे पहुँचे हो, अगेन क्या है -4 मीन्स आप लेफ्ट मूव करोगे, यू विल मूव लेफ्ट, माइनस है ना, तो कितने डिजिट्स 4 डिजिट, तो इस वक्त आप यहाँ पे हो करंटली, अब यहाँ से 4 काउंट करो, 1, 2, 3 और 4 आप आ जाओगे +1 पे, यहाँ से आपका आ जाएगा, ठीक, ये डायग्राम है आपका -4 का, फाइनली आप यहाँ पे पहुँचे +1, भाई हमें +1 चाहिए था, +1 आ गया। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पहले फर्स्टली वी विल सॉल्व इट, 4
यहाँ पे आ गया ठीक। जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पे क्या छिप हिडन हिडन होता, प्लस हिडन होता, मैंने पहले ही बताया बेटा ठीक। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस इन टू माइनस बिकम प्लस थ्री, दोनों का साइन सेम है, ऐड कर दीजिए 4 + 3 + 7। अब आपको प्लस 7 को नंबर लाइन पे ऐड करना है, रिप्रेजेंट करना। ओके तो अब देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई, प्लस 4, तो ऑलवेज यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 प्लस 4, 0 से हम कहाँ जाएंगे प्लस 4 ठीक। अगेन इसमें ऐड क्या हुआ है प्लस 3, तो प्लस 3 अगेन वी विल मूव राइट हैंड साइड, हाउ मेनी डिजिट 3 डिजिट, इस वक्त आप यहाँ पे हो 3 डिजिट 1 2 3 7। आपको प्लस 7 चाहिए था, प्लस 7 आपका आ गया। ओके तो इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट है क्योंकि क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं थे एंड मैं न्यू चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं कर सकता इसी आज के वीडियो में, मैं आपको सफिशियंट टाइम दे रहा हूँ। ओके आई एम गिविंग यू टू सफिशियंट टाइम ताकि आप ये प्रीवियस चैप्टर के अगर कोई वर्क आपके पेंडिंग है तो उसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, वी विल रीड चैप्टर 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके थैंक यू क्लास।